We are going to discuss about the topic of sauces. Like, what is the concept of sauce? What are the different types of it? And what are the uses of sauces? Let's begin. See, whenever we are going to order pizza, when we eat pizza, we need tomato ketchup or mustard sauce. Similarly, when we order Indian snack, we need tamarind chutney or mint chutney. When we made kofte or made palak paneer, we made gravies. तो क्या ये भी सॉसेस हैं? सिमिलरली मैक्सिकन फूड के साथ हमें सालसा चाहिए, तो क्या इसको भी हम सॉस बोल सकते हैं? या एक्सक्लूसिव सॉस का जो टर्म है हम यूज करेंगे फ्रेंच मदर सॉसेस और डॉटर सॉसेस के लिए। तो व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ सॉस? सो इसके लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉस, कि सॉस किसको कह सकते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉस। So, what is the definition? Say, sauce is a semi-liquid or a liquid food preparation which is flavorful and used to add flavor or taste to other dishes. Teen cheezein, semi-liquid ya liquid. Second, it has its own flavors. Apart from that, we are using it to flavor or give additional taste to other dishes or enhance the taste of other dishes. So, teen cheezein jisme hongi, hum usko sauce bol sakte. For instance, hum aise hi individually sauce ko consume nahi karte. Sauces are always accompanying some other dishes and they are only enhancing the taste of other dishes. So, jisme bhi ye teen parameters honge, usko hum sauce consider kar sakte. If we go by this definition, sauce is a very generic term. It includes wide variety of such food preparations. हम उन्हें किसी और नाम से तो जान सकते हैं, but वो सॉस की ही कैटेगरी में आएंगे. Okay, how old the sauces are? What is the history? अगर हम बात करें कि सॉसेस कब बननी शुरू हुई, हम find out करते हैं तो we get to know a particular story behind a particular sauce. But how old is the concept of sauces? So, sauces का जो कॉन्सेप्ट है वो उतना ही पुराना है जितना पुराना हमने खाना बनाना सीखा है. इसका मतलब ये है, जब से हमने खाना बनाना शुरू किया तब से सॉसेस का कॉन्सेप्ट आ गया. नाम डिफरेंट हो सकते हैं बट बेसिक डेफिनेशन जो है उसको वो फुलफिल करते हैं. सो सॉस एक जेनरिक टर्म है, इसमें वाइड वेराइटीज ऑफ सॉसेस को हम इंक्लूड कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ फ्रेंच सॉसेस है वही आएंगी या जो इंडियन सॉसेस हैं वही आएंगी, ऐसा नहीं. अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स. किसी भी सॉस में कुछ कॉमन फीचर्स लाइक दे हैव देयर ओन फ्लेवर प्रोफाइल, उनका एक अपना डिस्टिंक्टिव फ्लेवर, प्लस दे आर ऑलवेज बीइंग यूज्ड टू गिव फ्लेवर्स टू द अदर डिशेस. ये दो चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि these sauces are always and always being used to enhance the flavors of other dishes. So, अगर हम बात करें, what are the common ingredients? So, it may be having a kind of a flavoring liquid that may be a water or a vinegar or a wine or something like that. उसके साथ we are adding oil and fats into it, a combination of herbs and spices, and finally we are using some kind of a thickening agent. अब ये thickening agent कोई starch based भी हो सकता है, ये thickening agent कोई fat based भी हो सकता है, ये thickening agent जो हमने ingredient use किए हैं किसी sauce में वो भी हो सकता है. अब हम बात करते हैं what are the different types. Like अभी तक हमको concept clear हो गया, तो now we move on to the different types of sauces. Okay, so जब हम बात करते हैं different types, so I will start with what are the फ्रेंच सॉसेस, जिसको हम कहते हैं मदर सॉसेस और वी कॉल दैट स्टार्च थिकेंड सॉसेस. ये जो सॉसेस हैं, ये सॉसेस बनती हैं तीन बेसिक चीजों से. पहला कोई फ्लेवरफुल लिक्विड, इट कुड बी अ स्टॉक और मिल्क और समथिंग लाइक दैट. एक थिकनिंग एजेंट जिसे हम रू कहते हैं, प्लस एनी प्रोमिनेंट फ्लेवर दैट इज बीइंग एडेड. ओके, सो दीज आर बेसिकली स्टार्च थिकेंड सॉसेस. यहां पर हम इनकी थिकनिंग करते हैं किसी स्टार्च बेस्ड इंग्रेडिएंट्स के साथ.
और फ्रेंच क्यूजीन एंटायरली डिपेंडेंट है इन मदर सॉसेस के ऊपर, यानी कि जो हमने अभी बताया आपको जो स्टार्च थिकेंड सॉसेस है उसके ऊपर. नेक्स्ट इज द ब्लेंडेड सॉसेस. अब ये ब्लेंडेड सॉसेस क्या है? ब्लेंडेड सॉसेस आर द सॉसेस दैट आर बीइंग क्रिएटेड बाय अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर. फॉर एग्जांपल टोमेटो केचप, टोबेस्को सॉस, वूस्टर सॉस, ये सॉसेस क्या है? दीज सॉसेस आर नॉट प्रिपेयर्ड इन किचन. हम इसे किचन में नहीं बना रहे. These are being manufactured by a particular industry or a company. क्या किया उन्होंने? कुछ इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन बनाया और उसको ऐसा परफेक्ट कर दिया और बाद में उसे पेटेंट या अपने एज अ ब्रांड उसको बेचना शुरू कर दिया. These are also known as proprietary sauces. So आप मार्केट में जाइए, you purchase these bottles and you can use them. इसकी रियल रेसिपी किसके पास है? वो उस कंपनी के ही पास है. नेक्स्ट इज आवर इमल्जन सॉसेस. इमल्जन किसको कहते हैं? व्हेनेवर वी आर मिक्सिंग और वी आर ट्राइंग टू मिक्स टू लिक्विड्स विच आर नॉट इजिली एबल टू डिसॉल्व इन ईच अदर. कई ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो सेपरेट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एसिड, एनी काइंड ऑफ एसिड वी कैन टेक. विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, एसिड है. और हमने लिया सैलड ऑयल या ऑलिव ऑयल या बटर एज वेल. अब ये दोनों आपस में मिलते नहीं है, बट हम इनको किसी तरीके से मिलाना चाहते हैं. सो अगर हम मिला लेते हैं, वी कॉल इट एज अ इमल्शन. सो ऐसी सॉसेस जिसमें हम ऐसे दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं और फ्लेवर करते हैं, हम उसे कहते हैं इमल्शन सॉसेस. बेस्ट एग्जांपल्स हॉलैंडेज सॉस, मेयोनेज सॉस, अयोली सॉस, क्या कॉमन है? ऑल ऑफ देम आर इमल्शन. किसका इमल्शन है? विनेगर या लेमन जूस along with melted butter, salad oil या olive oil. Stabilizer क्या है? Emulsifier क्या है? Because ये दोनों liquids आपस में separate हो जाएंगे, तो इसको stabilize करने के लिए we are using a emulsifier. इन तीनों sauces में emulsifier है egg yolks. Egg yolks एक emulsifier का काम कर रहा है, उसको stabilize कर रहा है. We are blending these two ingredients together which are not able to mix with each other, और ये जो emulsifier है उसको stabilize कर देगा. नेक्स्ट इज हमारी चटनीज. क्या चटनी सॉसेस हैं? इतने एग्जांपल्स हैं इंडियन क्यूजीन में. टैमरिंड चटनी, मिंट चटनी, कोकोनट चटनी, पीनट चटनी, यू कैन नॉट इमेजिन कि इंडियन क्यूजीन में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चटनीज हैं. तो क्या ये सब सॉसेस हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये सॉसेस हैं. रीजन इज they are liquid or semi-liquid, they have their own flavor profile and are used to add taste or relish to other dishes. So they are also sauces. And the thickening agent kya hai? The puree, the cream of these ingredients are actually their own thickening agent. Coconut chutney kaise thick hoti hai halki se? Coconut ke paste se. Mint chutney mein jo thickness hai, wo uske mint leaves ke blend ka ek jo thickness hai. So technically these are also sauces. Okay. Then we talk about the concept of gravies. In Indian cuisine, continental cuisine, American cuisine, gravies are there. What are gravies? Just analyze karein, so you will get to know gravies are also a kind of sauces in itself. Reason again, they are fulfilling the three parameters of the definition of sauce. Liquid, semi-liquid, have their own flavor profile and they are being used to add taste to a dish. So technically, whether it is the Swedish meatballs, whether it is Indian kofta curry or even your palak paneer or the makhani paneer or butter chicken, jitni bhi gravies hain, wo bhi ek tarah ki sauces hain. For example, gravies mein jo thickening agent hai, hamare India mein to bahut sare thickening agent use hote hain. It could be your, you know, the wet paste of the ginger, garlic and onions. It could be the cashew nut paste. It could be the poppy seed paste. So, what are they? These all gravies are sauces. Next is, can I say salsas? See, salsas are very, very important key ingredient or accompaniment in Mexican cuisine. So many salsas are there, green salsa or what we call as salsa wave is there, fresh salsa, that is the pico, the gallo is there. So
क्या ये सॉसेस है? यस दे आर सॉसेस बिकॉज दे आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर डेफिनेशन ऑफ सॉस. इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. टॉक अबाउट एनी साल्सा, इट इज अ गुड मिक्स ऑफ फ्रेश टोमेटोज, चिलीज, एलापीनोज, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, विनेगर, लेमन जूस. एंड वॉट वी क्रिएट एन अकम्पनीमेंट दैट कैन बी यूज अलॉन्ग विद अदर डिशेस. नाउ फर्मेंटेड सॉसेस, वॉट आर दीज फर्मेंटेड सॉसेस? ऐसी सॉसेस जिसकी किसी एक इंग्रेडिएंट या दो इंग्रेडिएंट्स को हमने फर्मेंट किया हो. फर्मेंटेशन ब्रिंग्स आउट अ डिस्टिंक्टिव फ्लेवर एंड अरोमा टू दीज सॉसेस. क्लासिकल एग्जाम्पल इज द सोया सॉस. कैसे बनती है सोया सॉस? सोया बीन्स को फर्मेंट करते हैं अलॉन्ग विद सम काइंड ऑफ स्टार्च, लेट्स से द व्हीट और अनदर स्टार्च दैट वी हैव बीन एडेड. और उसे व्हाट हैपेंस? इट डेवलप्स अ डिस्टिंक्टिव फ्लेवर एंड अ डिस्टिंक्टिव कलर. सोया बीन्स व्हाइट होते हैं, सोया सॉस ब्लैक होती है. जो कलर डिविशन है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द हर्ब स्पाइसेस एंड अदर इंग्रेडिएंट्स, बट व्हेन इट इज बीइंग फर्मेंटेड इट चेंजेस द कलर. सो फर्मेंटेड सॉसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू थिंक फर्मेंटेड सॉसेस आर नॉट इंपॉर्टेंट, से मोर देन 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दीज फर्मेंटेड सॉसेस ऑन अ डेली बेसिस. चाइनीज कुजीन, जैपनीज कुजीन, कोरियन कुजीन, थाई कुजीन, मलेशियन कुजीन, ऑल ऑफ देम आर यूजिंग वाइड वैरायटी ऑफ दीज फर्मेंटेड सॉसेस एज वेल. इट इज अ वेरी यूनिक ब्लेंड ऑफ फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड. फॉर एग्जाम्पल, योर ऑयस्टर सॉस इज देयर, मिसो सॉस इज देयर, वी हैव होइसिन सॉस इज देयर, सो मेनी डिफरेंट सॉसेस दैट आर बीइंग यूज्ड. सो दिस इज द fermented sauces. The next category is the sweet sauces. What are sweet sauces? Is it the chocolate sauce that we are using in making the desserts are these sweet sauces? Yes, but apart from that, there are so many wide variety of sweet sauces. Examples could be starting from your plum sauce, your apple sauce, your apricot sauce. These sauces are not only used इन स्वीट्स. हम खाली इसको स्वीट आइटम्स के साथ नहीं यूज करते, वी आर यूजिंग देम फॉर इवन द रोस्टेड मीट आइटम्स, वी आर यूजिंग देम फॉर मेकिंग लाइक एज अ काइंड ऑफ स्टफिंग इन सम काइंड ऑफ हैमबर्गर्स एज वेल. बिकॉज से अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीट एंड सेवरी इज ऑल्सो बींग लाइक बाई मैनी ऑफ अस. सो वी आर यूजिंग दीज सॉसेस. अब एप्पल सॉस, प्लम सॉस और स्वीट सॉस में क्या चीज है? वन ऑफ द इनग्रीडियंट इज हैविंग अ स्वीट फ्लेवर. Apart from that, we are adding some sweetness to it. Okay? So technically, what is the combination of apple sauce or a plum sauce or any such sweet sauces are? It is a combination of a sweet ingredient, herbs and spices, and a distinctive flavor. For instance, apple sauce will be giving a very prominent flavor of apple. Apart from that, it will be having the tartness and the sweetness from the other ingredients and the herbs and spices that are being. Next category is the meat sauces. See, what are these meat sauces? If we talk about the entire classification of sauces, meat sauces sabse rich, heavy or thick sauces kehlate hain. The reason is their main ingredient is the minced meat. Best examples we can pick from Italian cuisine. Aapne suna hoga naam spaghetti bolognese. What is bologna? Bologna is one of the thickest sauces. Kaise banti hai? It is a combination of minced meat, stock, wine and flavoring like tomato puree, tomato paste or something like that. Herbs, spices, again like the basic combination of any sauces is always this. So these meat sauces are a prominent sauces of, you can say, Italian cuisine, your Spanish cuisine and other different cuisines as well. So these are meat sauces. Puri sauces ki category mein, meat sauces is the richest and thickest of all. So this is the concept of meat sauces. Now let's discuss what is the uses of these sauces. I mean, sauces ko kaise use kar sakte hain? Primarily,
Sauces are used as an accompaniment to give taste, flavor, or relish to a particular dish. That is one. Apart from that, what are the other uses of sauces? The second use is we are using these sauces to enhance the appearance of a particular dish. Imagine a roasted leg of lamb with a dash of mint sauce. It adds a different color contrast to the dish. It gives a better eye appeal to the dish. Similarly, let's say you have baked fish, along with you are having a tartar sauce along with it. It is giving the creaminess to it, or using an aioli with it. So what is it is doing? It is giving a contrasting color to the dish. It is increasing the eye appeal to the dish. Next is sauces helps or aids digestion. Again, like I will focus on the mint chutney from Indian cuisine and mint sauce from continental cuisine. Say both these things are different. Mint chutneys are altogether different from mint sauce. Fine, but their role is they are helping in digestion. For example, in Indian cuisine, जब हमने पकौड़े बनाए, जब हमने समोसे बनाए, साथ में मिंट चटनी खाई, mint is having a properties to help in digestion of the food. Similarly, roasted leg of lamb, साथ में mint sauce, again it is playing that role. So, sometimes we are using these sauces to aid digestion of the food. Next is we are using sauces to create salads. Many of the sauces we are using to create dressing for the salads. Classical example, Russian salad or coleslaw salad. Dono salads ke andar, we are using mayonnaise sauce to make a dressing out of it. We can also use sauces as a kind of binding agent. Binding agent means, for example, in continental cuisine, hum croquettes banate. So croquettes mein either we have ingredients like the vegetables like boiled potatoes we are using, or we are using some kind of minced meat. Binding ke liye we are using a thick white sauce. So because the thick white sauce will be having starch content into it, so it will help in binding the ingredients together. So we are using sauces also as a kind of binding agent. And finally, many of the dish derive its name from the sauces. It means hum kisi dish ko recognize hi उस सॉस के नाम से करते हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर हम बात करें, लेट्स सी स्पेगेटी बुलुने. सो स्पेगेटी इज अ टाइप ऑफ पास्ता एंड बुलुने इज अ सॉस बिकॉज़ वी आर सर्विंग दैट पास्ता अलोंग विद द सॉस. सिमिलरली वी आर यूजिंग द नेम ऑफ द सॉसेस टू नेम द डिशेस एज वेल. वी आर रिकॉग्नाइजिंग दीज डिशेस बाय द नेम ऑफ दीज सॉसेस. सो वी विल एंड आवर डिस्कशन विद दिस. सो इस वीडियो में हमने जाना व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉसेस एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉसेस. नेक्स्ट वीडियोस में हम इंडिविजुअली इन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे.